आपके हिसाब से वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेस का नाम कितने अक्षरों का है? इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्या आप जानते हो हर सेकेंड हम अपनी पॉपुलेशन में 4 नए बच्चों का स्वागत करते हैं? इसका मतलब कि हर एक सेकेंड में 4 नए बच्चों का जन्म होता है पूरे विश्व में। तो थोड़ा गणित करो तो आपको पता चलेगा कि प्रत्येक मिनट में लगभग 250 जन्म, हर घंटे 15,000 और हर दिन 360,000 बच्चे जन्म लेते हैं। क्या आप जानते हो दुनिया का सबसे यंगेस्ट यानी युवा देश कौन सा है? वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान ने 2011 में साउथ अफ्रीका से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, जो वर्तमान में साउथ सूडान दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। ये बात जानकर आप दंग रह जाएंगे, दुनिया भर के सभी चिड़ियाघरों के सभी विशाल पांडा चाइना से लोन पर है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पूरे विश्व के सभी विशाल पांडा तकनीकी रूप से चीन सरकार की संपत्ति है। है ना चौंकाने वाली बात? आप सब हिचकियों के बारे में जानते ही होंगे, जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी आती ही है, जो थोड़े समय बाद रुक भी जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि किसी व्यक्ति को हिचकियां 68 सालों तक रही थी? आप सोच रहे होंगे कि ये असंभव है, लेकिन चार्ल्स ओसबोर्न नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति 1922 में एक सुअर का वजन कर रहे थे और उन्हें हिचकियां आना शुरू हो गई, और 68 सालों बाद 1990 में करीब 430 मिलियन हिचकियों के बाद उन्हें हिचकियां आना बंद हो गई, और इसी के साथ गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट बाउट ऑफ हिकअप्स चार्ल्स ओसबोर्न के नाम लिखा गया। है ना आश्चर्यचकित करने वाली बात? अब आते हैं अपने पहले सवाल पे, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेस का नाम कितने अक्षरों का है? उसका उत्तर है 85। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, और वो एक जगह न्यूजीलैंड में है, और उसी को वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेस नेम का किताब दिया गया है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो उस जगह का नाम है, जिसे पढ़ना काफी मुश्किल है। आप कोशिश कीजिए पढ़ने की। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग। सुना है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो किस चीज का वेट कर रहे हो? बढ़ाइए अपना ज्ञान। तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।